Please subscribe to Kids Zone YouTube channel and don't forget to press the bell icon to never miss an update. Kids Zone Pakistan. हवा में नमी है जो मेरे बालों को छू के गुजर रही है और सुपर चार्ज लेजर ब्लास्ट जो तुम्हारे चेहरे के पास से गुजर रहे हैं। एंड बाय द वे स्टील, तुम्हारे तो बाल ही नहीं। एक अल्ट्रालिंग ख्वाब तो देख सकता हूँ। सब मारे गए, अब कोई खतरा नहीं। अब हम आराम से अपना लूटा हुआ माल गिन सकते हैं। बड़ी ये अजीब बात नहीं कि बोट्स की ब्रेक्स ही नहीं होती। Way to go! कर दिखाया टर्बो। मैक्स, तुम्हारा सेलफोन बज रहा है। एक्सक्यूज मी, वो मुझे उठाना चाहिए। हे मैक्स, तुम कहाँ हो? मूवी स्टार्ट हुए 10 मिनट गुजर गए। ओह हे सिडनी, ओह राइट, वो मूवी तुम फिर भूल गए है ना? कौन, मैं? नहीं नहीं, मैं एक मिनट में पहुँच रहा हूँ। नेवर माइंड, अब मेरा कोई मूड नहीं है। हेलो सिड, काट दिया ना उसने फोन। तुमने लगातार तीसरी बार सिडनी को इंतजार करवाया है। या सिर्फ इसी हफ्ते में। स्टिल, उसे समझ जाना चाहिए था मैक्स, तुम एक सुपर हीरो हो। That's the problem, स्टील। सिडनी नहीं जानती कि मैं एक सुपर हीरो हूँ। हाँ, गुड पॉइंट। सो मेबी उसे बताने का टाइम आ गया है। क्या कह रहे हो मैक्स? मैं सिड को बहुत अरसे से जानता हूँ। वो मेरे लिए आम सी लड़की नहीं बल्कि एक क्लोजेस्ट फ्रेंड है जिस पर भरोसा करता हूँ। मैक्स, मुझे गलत मत समझना, लेकिन जो बात सिडनी जानती नहीं उससे उसको तकलीफ कैसे पहुंचेगी? या, लेकिन इससे हमारी दोस्ती खराब हो सकती है। लगता है पहले ही हो चुका है। तो फिर तय हो गया, कल मैं उसे सच्चाई बताऊंगा। कल मैं सिडनी को बताऊंगा कि मैक्स मैकग्रैथ दरहकीकत मैक्स स्टील है। वो उसका पीछा क्यों नहीं कर रहे? वो यहीं पर है, हमला कर सकते हैं, खत्म कर देंगे उन्हें। मैंने इनके लिए बेहतर प्लान बनाया, जल्द ही हम इनका शिकार करेंगे। मैक्स स्टील इस बार हमारे हाथ से नहीं बचेंगे। लेट्स गो टर्बो। मैं हूँ मैक्स मैकग्रैथ और ये है मेरा दोस्त स्टील। हाँ, ये एक एलियन है। मैं पावर जनरेट करता हूँ और स्टील के पास एलियन टेक्नोलॉजी है जिससे वो इसे कंट्रोल करता है और मिलके हम बनाते हैं शानदार किस्म के टर्बो बॉम्ब। हम बुरे लोगों को हराकर दुनिया को बचाते हैं और हम हैं मैक्स स्टील। ये लो, लार्ज एग क्रीम एक्स्ट्रा व्हिप। थैंक्स मैक्स, और इस बार मुझे वेट ना करवाने के लिए भी थैंक्स। या, I deserve that. So, तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें कोई खास बात करनी है? Yes, हाँ एक बात है। यही टाइम है मैक्स। देखो बात यह है कि अब पीछे मत हटना। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि जल्दी करो, कह भी दो। मैं इतना भी मुश्किल नहीं है यार, कह दो। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ? Oh, I mean nose. खराब हो गई है। इस कॉफी शॉप में हमेशा तुम अजीब बिहेव करते हो। सही कह रही हो सिडनी। अच्छा देखो सिडनी, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि I am Max and I am Sydney, और शायद हम पहले मिल चुके हैं। नो, मेरा मतलब है कि मैं Max Steel। नहीं, तुम नहीं हो। What? तुम नहीं हो सकते। मैंने तुम्हें और मैक्स को एक ही वक्त में एक साथ देखा है जब उस ड्रेड गाय ने हम पर अटैक किया था, याद है? अब यहाँ तुम फंस गए बड़ी। हश, देखो सेट, मैं इसे साबित करूंगा। मैं गैस करती हूँ ये मैक्स स्टील की कोई खुफिया जगह है। नो, अब जरा पीछे हट जाओ और देखो। आई एम मैक्स स्टील और तुम खुद ही देखो। गो टर्बो फ्लाइट। या
मुझे नहीं लगता कि ये सही आइडिया है। मेरा मतलब है कि अगर सिडनी का दिल कमजोर हुआ तो फिर इस शौक से कहीं उसको दौरा ना पड़ जाए। ऐसा नहीं है स्टील। स्टील? ये स्टील कौन है? वो अभी सामने आ जाएगा। नहीं, मैं नहीं आ रहा। hey, मुझे ट्रांसफॉर्म करो। अच्छा चलो आज नहीं कल बता दे। hey, तुम कहाँ ले जा रहे हो मुझे? रुको, कट इट आउट। वो तुम ये नहीं कर सकते। मैक्स, मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। नो वेट, सिट, वेट। सिर्फ एक बार मुड़कर देख लो, यकीन हो जाएगा तुम्हें। मेरे ख्याल से उसे यकीन आ गया। Listen, mighty elementor. Dreadnoughts का फुल स्क्वाड्रन ले जाओ। हर रुकावट को हटाकर उसे पकड़ना होगा। जितनी जल्दी वो हमारे पास होगा, उतनी जल्दी हम अपने मास्टर अटैक को एग्जीक्यूट करने में कामयाब होंगे। सही कहा, हम इसमें पूरी तरह तुम्हारा साथ देंगे ड्रेड। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। ढूंढो मैक्स स्टील को और मेरे पास लेकर आओ। से नहीं बचेगा। हम ट्रैक के गुलाम नहीं थे, उसका ऑर्डर माने। सही कह रहे हो, हमें उसका ऑर्डर नहीं मानना चाहिए। ये अच्छी बात नहीं कि हम उसके इशारों पे चल रहे हैं। सही कह रहे हो तुम लोग, मैं भी तुम्हारी तरह यही चाहता हूँ। ये क्या कर रहे हो? वो दिन जिसका हमें इंतजार था, जिसके लिए हम ट्रैक के पास गए, वो ये पॉट्स नहीं है लेकिन ये स्कीमेटिक्स, जिससे पास हुआ कि ट्रेड टर्बो साइफर फंक्शन कैसे इस्तेमाल करता है। तो तुमने ये हासिल कर लिया। इस टेक्नोलॉजी और डेटा की मदद से मुझे मालूम हुआ कि हम लोग एक साथ कैसे रह सकते हैं। अब मैक्स स्टील की एनर्जी हासिल करने के लिए हमें ट्रेड की जरूरत नहीं है। मैक्स स्टील की पावर्स हमारी होंगी। This is awesome! ये स्पीड तो कुछ भी नहीं। इसका मतलब है तुम और तेज हो सकते हो। बिल्कुल। तो फिर चलो। एक मिनट मुझे बताओ, स्टील क्या तुम ही हो वो जो मैक्स को उसकी पावर्स देता है? ऐसा नहीं है, मैक्स की टर्बो एनर्जी से पावर देती है। मैं इन पावर्स के इस्तेमाल में उसकी मदद करता हूँ। समझ नहीं आया, तो ये मैक्स में टर्बो एनर्जी कहाँ से आती है? माय डैड, उन्होंने इसे इन्वेंट किया था। ओके, तो फिर स्टील को भी उन्होंने ही बनाया होगा। Not exactly. हम भी पहले यही समझते थे। Actually, मैं एक दूसरे प्लैनेट से आया हूँ और एक अल्ट्रालिंक हूँ। Whoa, तो तुम एक एलियन हो? हाँ, कह सकती हो। That's so cool. Why, thank you, Sydney. तुम भी pretty cool हो। Yes. क्या बताओगी कि तुम किस तरह के एलियन हो? मेरा मतलब है कोई तो लिंक होगा जिससे तुम्हारे डैड स्टील से मिले। Good question. Unfortunately, ये बात confidential है। Oh, come on, इतना कुछ तो बता दिया है तुमने। नहीं, इसका ये मतलब है कि एंटेक ने ये बात हमसे confidential रखी हुई है। एंटेक? ये एंटेक क्या है? तो तुम लोग तैयार हो ना? आज मैक्स स्टील का आखिरी दिन होगा। तो वो ग्रीन एंड व्हाइट गाइस जो है वो एंटेक है। You got it. वो एक तरह की सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन किस लिए? किस लिए? Again, हम खुद नहीं जानते। तुम लोगों को काफी कुछ नहीं पता। सही कह रही हो। अच्छा, अब इतना तो बता ही सकते हो कि एंटेक का मतलब क्या है? Good question. I think neurotic. तो तुम लोगों के पास फायर पावर भी है? तो हम नहीं थे। क्या ये दोस्त है? नहीं, उसका ऑपोजिट। इसने हमें कैसे ढूंढ लिया? शायद इसलिए क्योंकि हम कॉपर कैनियन के ऊपर शोपोटिंग कर रहे थे। हमें सिडनी को निकालना होगा। स्टील, तुम्हें डिसेंगेज होने की जरूरत है। क्या पागल हो गए हो मैक्स?
इसे महफूज मुकाम तक पहुंचाना है। मगर? अगर मगर कुछ नहीं, बस मुझे फ्लाइट मोड में लॉक करो और जाओ। ये क्या हो रहा है? डोंट वरी, आई विल हैंडल इट। स्टील, ये आइडिया मुझे सही नहीं लगा। चलो स्टील नाउ। What's up, Tiny? तुम बहादुर हो जो भागे नहीं। बहादुर लेकिन मेरा हो। ट्रिक तुम्हें जरूर पसंद आई होगी। और ये तुम्हें। वो क्या चीज थी और वहाँ क्या हो रहा है? वो चीज एलिमेंटोर थी, वो मेरी तरह एक अल्ट्रा लिंक है, एक्चुअली चार अल्ट्रा लिंक्स एक में। मुझे कहाँ लेके चलो, मुझे मैक्स को देखना है। मगर मैं, मैंने कहा चलो। मैक्स तो यहाँ नहीं है, वो कहाँ गया? Don't worry, मुझे यकीन है कि वो ठीक होगा। मैंने कभी नहीं सोचा ये कहूंगा कि काश स्टील यहाँ होता तो मैं इसी वक्त स्ट्रेंथ मोड इस्तेमाल करता। मैक्स स्टील, एलिमेंटोर के साथ मिलने के लिए तैयार हो जाओ। कहाँ लेके जा रहे हो? हम मैक्स को ऐसे नहीं छोड़ सकते। मैं कभी मैक्स को नहीं छोड़ूंगा, मगर इस वक्त सबसे अहम तुम्हें महफूज जगह पहुँचाना है। सॉरी, मैं मैक्स के बगैर कहीं नहीं जाने वाली। कहाँ जा रही हो तुम? ह्यूमन इमोशंस। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये काम क्यों नहीं कर रहा। मैक्स को भी हमारी बॉडी का हिस्सा बन जाना चाहिए था। बेवकूफ, जरा ये मुझे देखने दो। मुझे तो मैजिक करता हूँ इसे। तुम लोग पागल हो गए क्या? मेरी बात सुनो यंग लेडी। तुम मेरी बात सुनो, उस एलिमेंटर ने जाते हुए कुछ ट्रैक्स छोड़े हैं। वो रहा मैक्स, तुम उसके पास जाओ और उससे लिंक करो ताकि वो इसका सामना कर सके। हाँ, मगर ये कहना करने से ज्यादा आसान है। मैं एलिमेंटोर के पास से गुजर कर कैसे जा सकता हूँ? वो तुम मुझ पर छोड़ दो। मगर तुम डोंट आर्ग्यू, बस मेरे क्यू का इंतजार करो। मैक्स और इसका दिमाग एक जैसा ही है। जिद्दी। इस वायर को उस ब्लू वाले के साथ जोड़ दो। नहीं, रेड वाले के साथ। नहीं बेवकूफ, ग्रीन वाले के साथ। क्या तुम तीनों चुप नहीं कर सकते? Hey, Sid.
मैंने कहा था ना कि सिडनी को यहाँ से ले जाओ। मैंने कोशिश की मगर ये भी तुम्हारी तरह जिद्दी है। आपस में बाद में लड़ना, पहले इसे सबक सिखा दो। राइट, लेट्स गो। सिडनी तुम कहीं छुप जाओ, मेरे साथ मिल जाओ। मैक्स स्टील। दिस इज कूल, ये हमारे साथ है। नाइस एंट्री सेंट्रो। जब स्टील का मैसेज नहीं आया तो मैं समझ गया था। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इससे मुकाबला कर रहे हो। खैर, मेरे ख्याल से मेरे पास इसके लिए कुछ है। मालूम लगता है तुम्हें। तुम छुप जाओ। टर्बो स्पीड। टर्बो स्ट्रेंथ। इट्स ओवर। इतनी जल्दी क्या है मैक्स? इसके सर के ऑर्ब्स का निशाना लो मैक्स। गो टीम, गुड गाइस। No, Max! और कितना वक्त लगेगा? बस कुछ देर और। इससे तो अभी तक खत्म हो जाना चाहिए था। तुम्हारी फ्रेंड मुझे डिस्टर्ब कर रही है। जितनी टर्बो एनर्जी है वो सब दे दूंगा। देखो ये ठीक है। ब्लास्ट से जो शॉक वेव पैदा हुई उसमें आयन पार्टिकल्स थे। पता नहीं उन्होंने इसे कितना मुतासिर किया। कहीं इसके सेल स्ट्रक्चर और ब्लड स्ट्रीम को म्यूटेट ना कर दिया हो। मैक्स स्टील, ओहो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये कौन सी जगह है? या हो सकता है कि इसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी ही चली गई हो। यू आर किडिंग मी। मैक्स स्टील, तुम दोनों ठीक हो? जेफरसन एलिमेंटोर वो वहाँ? वो जा चुका है मैक्स। हम जैसे ही यहाँ आए वो गायब हो गया अचानक से। संभल के इसे मजीद खराब मत कर देना। ये कौन है? ये एक सिविलियन है और मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसे महफूज तरीके से इसके घर पहुंचा दिया जाए। ठीक है, मैं इसे कुछ पूछना चाहता हूँ। Why? Thank you, soldier. और thank you, ma'am, मुझे बचाने के लिए। क्या? मैंने मैक्स स्टील को बचाया? No way. मेरे फ्रेंड्स तो बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे। क्या इसका मतलब है कि हमें इसको फिर से सब कुछ बताना पड़ेगा? इस मौजू पर कुछ देर बात ना करो। लगता है तुम ठीक थे स्टील। सिडनी जो नहीं जानती वो उसे हर्ट नहीं कर सकता। और हमें भी। ये जैसा तुमने कहा था कि लाइफ एज अ सुपर हीरो। कहाँ है मैक्स स्टील? मैं उसे ढूंढने में नाकाम हो गया। ओह अच्छा, बात कुछ यूं है माइटी एलिमेंटोर, कुछ भी हो उसे पकड़ना होगा। मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा और उसे पकड़ लूंगा। अच्छा लगा सुनके।
क्या आप फिर से ड्रेड के साथ काम कर रहे हैं? लेकिन क्यों? Yes! क्यों नाम इस डिवाइस को दोबारा बनाकर मैक्स स्टील को बका देगा? फोर, ड्रेड हमारी सोच से भी ज्यादा चालाक है। जब हमने दूसरी बार मैक्स के साथ लिंक करने की कोशिश की थी तो उस वक्त इसने काम नहीं किया। इसका मतलब ये सेमेंटिक्स फेक है। बेवकूफ बनाया उसने। लगता है ड्रेड हम पे उतना ही भरोसा करता है जितना कि हम करते हैं उसमें। हाँ, इस बारे में हम बाद में सोचेंगे। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमें अपनी कोशिशें जारी रखनी चाहिए ताकि पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सके।